मार्केट है सर। हाँ फ्लोरिया मार्केट, फ्लोरिया मार्केट नहीं, फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट है गाइस ये। और यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब शॉपिंग अगर किसी को करनी है यहाँ के तो ये कश्मीरी ही चीजें हैं यहाँ पे सारी। क्या भैया, थाईलैंड में मार्केट है वो कश्मीर में ही है। यहाँ पे जो भी है कश्मीर का आर्ट है, रियल कश्मीर आर्ट है, जो यहाँ के लोग विंटर टाइम हाथ से बनाते हैं, पश्मीना शॉल, सिल्क साड़ी, पश्मीना साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कारपेट वगैरह, यहाँ का आउट का आर्ट नहीं है। और यहाँ पे जीएसटी टैक्स नहीं है, उसकी वजह से रेट रीजनेबल पड़ता है। क्या है सर, और लास्ट में सोसाइटी मीना बाजार की गोदाम, यहाँ दुकानदार है, वहाँ गोदाम है, वहाँ होलसेलरिंग है। बाय द वे, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, पैसे का प्रॉब्लम है, लगेज का प्रॉब्लम है, आप घर का माल चूज किया, आप घर का एड्रेस दिखा सकते हो, 20-30% यहाँ पे एडवांस पे कर सकते हो, बाकी पे तब जब होम डिलीवरी मिलेगा। पार्सल सुविधा है, कुरियर सिस्टम उधर। हाँ अच्छा सिस्टम है भैया ये तो। पे क्या है, शॉलों की वैरायटी स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज से। हाँ बाकी तो कस्टमर का अपना बजट, 200 वाला, 1000 वाला, वो आपका बजट है, किस क्वालिटी का चाहिए वो दिखाते हैं। कश्मीर में गाइस बहुत ठंड हो रखी है। ये हाउस बोटों के अंदर मार्केट है ना मैडम, आप सर थोड़ा बैलेंस बराबर रखो मैडम, थोड़ा फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट मैडम, अगर वीडियो शॉट उठाना है अभी उठाओ, बाद में यहाँ नहीं आना है। वाओ गाइस कितनी बढ़िया, कश्मीर का आर्ट है फ्रेंड्स, यहाँ ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कश्मीरी, सही में बहुत मन कर रहा है। टी कॉफी कश्मीरी कहवा, कहवा मशहूर है ना भैया यहाँ का, कश्मीरी कहवा, भाई बोलता है मैडम सही बोल रहा है, कश्मीरी टी क्या भाई भैया हमें क्या पता है, बताओ पहली बार आए हम तो। नहीं मैडम सही बोल रहे हैं, अच्छा ये कौन सा, ये वाला बनाते हैं शाल साड़ी, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू है ये देखो। किसी को चाहिए है क्या, लेके आऊँ किसी के लिए ये साड़ियाँ है भैया, ये साड़ी कश्मीरी साड़ी अलग है, ये शॉल है कश्मीरी, वैसे मेरे को तो थोड़ा सेम ही लग रहा है लोकल, इससे पूरा दिल्ली जाम लगना चाहिए, कश्मीरी साड़ी व्यू चीज है। ओह व्यू जबरदस्त है। देखो लेफ्ट साइड खेती बाड़ी, लेफ्ट साइड वेजिटेबल लैंड, आइलैंडों पे खेती हो जाती है, यहां विंटर चल रहा है अभी, खेती बाड़ी सीजन खत्म है। ओके देखो ना अंदर शलगम मूली है, बस कहां पर शलगम, कहां पर है खानी है मेरे को, कहाँ पर है लेफ्ट साइड है देखो मैडम, खेती बॉडी वेजिटेबल लैंड, आइलैंडों पे खेती है। यस हाँ दिख गया भैया दिख गया, आना जाना बाय बोट, खेत से जाना हो खेत पे आना हो बोट से, हर एक काम वेजिटेबल से ही है। हाँ सर वेजिटेबल लैंड है आइलैंडों पे ही होता है। तो फ्रेंड्स ये ना मेरा पहला ही व्लॉग है, तो कुछ मेरे को पता नहीं है कि कैसे क्या बोलना चाहिए, कितना वीडियो को फास्ट करना है स्लो करना है, कुछ भी नहीं पता, ज़्यादा बोर हो जाओ तो भाई थोड़ा थोड़ा स्किप करके देख लेना और क्या ही बताऊँ मैं, तो सीख जाऊँगी मैं धीरे धीरे, तो थोड़ा कमेंट बाजी थोड़ी कम ही रखना। ओके हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी मैडम, भैया कुछ कश्मीरी में बोल के दिखाना, कुछ कश्मीरी लैंग्वेज। वारे चुका ठीक है चुका असल पर चुका, यानी कि हाय हाउ आर यू, कैसे क्या गालियां दे रहे हो नहीं जो हम बोल रहे हैं ना अभी कश्मीरी में, वारे चुका ठीक है चुका असल पर चुका। हां इसका मतलब क्या, इसका मतलब है हाय हाउ आर यू कैसे हो। ओके बताना सब कैसे हैं ठीक है। ड्राई फ्रूट ओके, ये ड्राई फ्रूट है भाई यहां का कश्मीरी, यहां दो आप देखते हैं क्वालिटी, ये लेना है ना हमें, हाँ, ड्राई फ्रूट लेना है गाइस हमें, अभी थोड़ी देर के लिए भागो यहाँ से, चलो ये चलता फिरता खेती है,
जो एक जगह से दूसरे का खेत शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से ले जा सकते हैं दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। ये वैसा खेती है, इसमें यहाँ के लोग फसल उगाते हैं, वाटरमेलन टमाटर, फ्लोटिंग गार्डन जिसको गाइड बुक में लिखा है। ओके भैया, कश्मीर में बोला जाता है चोरी का जमीन, चोरी का जमीन है ये। कोई आएगा गाइस, ये चोरी का जमीन है, ठीक है। अभी जिसको कंप्लेन करनी है घर से, नहीं फ्लोटिंग गार्डन है, इंग्लिश गाइड बुक में फ्लोटिंग गार्डन लिखा है। हेलो अंकल, अंकल को सुन नहीं रहा, अपनी धुन में है शायद। ठंड से कान भी जाम हो गए। हाँ हाँ, ठंड से हाँ कान जाम हो गए अंकल के। ये क्या आया भैया इधर? अब स्टार्टिंग मीना बाजार सोसाइटी, वेलकम टू मीना बाजार। ओके, यहाँ फैक्ट्री जहाँ से डिस्ट्रिक्ट माल जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फ्रेंड्स ये ना मीना बाजार है, मीना बाजार की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है भैया यहाँ से। कश्मीर ओके, यहाँ जो भी है कश्मीर का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, कश्मीरी जो चीजें हैं सारी यहाँ से ही जाती है। ठंडी, ये मीना बाजार है, मीना बाजार। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहना गाइस, एंड तक देखना वीडियोस को। गाइस ये जो है, क्या है भैया ये? हैदर मूवी जहाँ बनी थी ना, वो वाला है ये, वो वाली जगह है ये, हैदर मूवी जहाँ बनी थी। ये मीना बाजार है, देख लो ये मीना बाजार है, और जहाँ मूवीज बनी है ना हम वहाँ आए हुए हैं। अब तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। नोटबुक भी देखा ही होगा ना? कौन से भैया? शिकारा, वो गांव की साइड बनी थी ना, शिकारा, शिकारा मूवी। कश्मीर में ही बनी है क्या सारी मूवीज? कश्मीर में शिकारा, नोटबुक, हैदर, अलग अलग जगह पे बनते हैं। ये देखो साहब जी, ये होलसेलर लोग हैं, यहाँ पे डिस्प्ले माल नहीं होता है, दुकानदार जैसा जो डिस्प्ले माल रखते हैं वो चीज़ नहीं है, यह होलसेलिंग है। तो रोको किसी शॉप पे, हमें कुछ शॉपिंग देखनी है। आपको क्या चीज़ है ये? फ्रेंड्स ये रॉयल कश्मीर है, शॉप है, या ये कश्मीर की सबसे पहली शॉप है ये? ड्राई फ्रूट का नाम नहीं था तब तक, तब से ये शॉप है ना भैया? और ब्रिटिश लोग आते थे, ब्रिटिश लोग आते थे यहाँ पर ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए, ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। ओके, मीना बाजार गिफ्ट हाउस। अरे उतरना पड़ेगा क्या इधर? हम जाएंगे। तो इस जो ये शॉप मैंने बताई थी ना, इस शॉप के अंदर हम आ गए हैं। तो यहाँ के साथ आया मुझे तो गाइस, तो फ्रेंड्स अभी हम ना रॉयल कश्मीर ड्राई फ्रूट शॉप पे हैं, कश्मीर की पहली शॉप है ये, तो जहाँ पे पहले ड्राई फ्रूट्स भी नहीं ये स्टार्ट हुए थे, यहाँ बोल रहे हैं कि तब से है ये शॉप। तो चलो देखते हैं क्या कुछ सीन है इस शॉप का। ओके, यहाँ पे हेलो सर। हेलो, तो ये इनकी शॉप है, ये ड्राई फ्रूट शॉप है इनकी, देख रहे हो आप, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं शॉप में, और सुना है जितना, आ जाओ पता कर लेते हैं कि क्या कुछ है। तो सर बताए मुझे एक बार, बताओ कुछ क्या कुछ स्पेशल है आपकी शॉप का? स्पेशल केसर, अखरोट, बादाम रहता है यहाँ का स्पेशल, बेरीज आती है यहाँ के स्पेशल, सारी वैरायटीज आते हैं, मसाले आएंगे यहाँ। ओके, कुछ दिखाएंगे आप हमें? ओके चलो गाइस देखते हैं फटाफट। ये देखो वॉलनट रखे हैं इतने, दो वैरायटीज के रहते हैं। ओके, ये आएगा एक एक कश्मीरी, और कश्मीर के अखरोट और बादाम में एक खासियत रहती है, इनमें ऑयल कंटेंट्स काफी रहता है। ओके, तेल काफी। इसी के साथ हमारे बादाम आएंगे यहाँ के, मामरा बादाम से बोलते हैं। हम्म,
डल लेक में या हमारे पास ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सैफ्रॉन क्रीम आएगा, स्क्रब आएगा, उसमें लिप बाम वगैरह आते हैं। ओके थैंक यू। चलिए मिलेंगे, आप ऑर्डर करना, कोई भी चीज आप ऑर्डर कर सकते हो आराम से, लोएस्ट प्राइस भी। ये कहवा है गाइस, ये स्पेशल टी है कश्मीर की, तो एक बार दिखाएंगे आप थोड़ा। इसमें टू वेराइटीज थी ना, एक आता है पाउडर फॉर्म वाला, ये गर्म कप पानी में एक चम्मच डालना पड़ेगा बस हो गया इंस्टेंट मिक्स। ओके। दूसरा आता है नेचुरल फॉर्म वाला, ये आपको पांच कप पानी में इसका एक चम्मच डालना पड़ेगा, चार मिनट तक उबाले, फिर छानी करके शहद या शक्कर मिला सकते हो। ओके। कहवा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा रहता है, फेट भरने का काम करता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, वेट लॉस के लिए अच्छा रहता है, स्पेशल टी है। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके बाय, ये देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कश्मीर रॉयल कश्मीर से निकल के थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, आगे आने वाला है गोदाम, गोदाम आने वाला है भैया, हैंडीक्राफ्ट के गोदाम आने वाला है। ये देखो हैंडमेड जो चीजें हैं उसका, कश्मीर आर्ट। बहुत ज्यादा ठंडा है, मेरे से तो फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। क्या लेना है क्योंकि आपको कल का टूर है गुलमर्ग, कल आपको ऐसा मौका टाइमिंग नहीं आएगा, कल आप बर्फ में जाओगे, वहाँ से डांस करोगे पूरा। तो शुरुआती डांस शुरुआती डांस है ये हमारा, कल हम जाएंगे गुलमर्ग असली डांस करने के लिए। ये मेन गोदाम है, यहाँ पे सब मिलेगा आपको एक ही जगह में, कहाँ पे चौक साइड जो भी इस वाले में, हाँ ए टू जेड एक ही जगह पे, 100 रुपये से स्टार्टिंग मिलेगा 5 लाख तक। अगर पैसे का दिक्कत हो रही है ना सर, हाँ जी, या लगेज का पार्सल होगा जो होम डिलीवरी कुरियर। ये भी सेम है, ये बनाओ। मौलवी